तो कैसे हो मेरे सारे भाई लोग? भाई लोग, आज हम एक ऐसी प्राणी से बात करने जा रहे हैं जो लड़कियों के पीछे एकदम हवस लेके पैदा हो गया है। तो चलो बात करते हैं हम अपने सेक्सी बॉय से। अरे वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ज्यादा नहीं, अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर जा रहे होंगे, उसमें भी फोन लेके लोगों को दिखाएंगे कि हम बाइक पे सवार हैं, और आगे चल के जब इनका एक्सीडेंट में मारा जाएगा तो लोग ना चाह के भी बोलेंगे, अरे वो सेक्सी बॉय बड़ा अच्छा था। लेकिन फिर भी मर गया मादर चोट, ला 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 ला। यार कल मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, तो मुझे ही बोलने लगे कि भाई तूने हर लड़की का दिल चुराया है इसीलिए। ए झांट से सकल के तू चुराएगा लड़कियों का दिल? अपने घर से 2 रुपए भी चुराता है तो बाप तेरे को लठी लट पेलता है, और तू लड़कियों का दिल चुराने चला गया बहन चूर। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अबे नहीं नहीं तेरी कोई गलती है ही नहीं, गलती तो वो पुलिस वालों की है जो तेरे को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो तेरे को फांसी की सजा सुनानी चाहिए थी भेड़ चोद। मम्मी कहती है बदमाश लड़कों से दूर रहो, लेकिन मम्मी को क्या पता कि इन बदमाश लड़कों का लीडर ही मैं हूँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ा बदमाश है ये, चोरी डकैती गुंडई ये सब तो जब ये टट्टी करना नहीं सीखा था तब से कर रहा है ये सब। अब तो इसने चोरी करने का नया नया स्टाइल भी सीख लिया, अब तो नालियों में चुम्बक डाल के सिक्का निकालना सीख गया है। मैं जो बहुत टैलेंटेड बच्चा ये। मैं कुछ जरूरी काम से चांद पे जा रहा हूँ। हाँ, हमारे देश के वैज्ञानिक तो चूतियाँ हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये अपने जरूरी काम से चांद पे जा रहा है। अबे बाबू, वो चांद है तेरा संडास नहीं है। किसी को अपने जानों के लिए तारे मंगवाना हो तो बोल दो, लेके आ जाऊंगा। हाँ बोल तो ऐसे रहा जैसे ये तारा ले ही आएगा, तेरा बाप उधर रेडी लगा रहा है चांद तारे की भोसड़ी के। चूतिया, चांद पे कहाँ से तारे लाएगा? वो चांद है, सरोजनी मार्केट नहीं है कोई जो उधर कुछ भी चूतिया चीज बिकने लगेगी। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। सिंगल ही मरूंगा ये कौन बोलेगा? तो लड़कियों, आज तुम लोगों के पास मौका है अपना हिम्मत दिखाने के लिए, तो हिम्मत दिखाओ, इस चूतियों को पटाओ, क्योंकि सेक्सी बॉय हद बड़ा ही चूतिया लग रहा है। जिस जिस लड़की को चाहिए कमेंट में बता दो। भाई कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। हाँ दाढ़ी वाले लड़के तो चूतियां हैं जो ऐसा सोचेंगे। हाँ, इसके फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितनी भी लड़कियां हैं सबका नाम एंजल प्रिया है, और आप लोगों को तो पता है एंजल प्रिया कौन है आजकल सोशल मीडिया पे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सूरज सिंगल है, चांद सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, मतलब इस धरती पे जितने भी कीमती चीज है ना वो सारे सिंगल है। अरे वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे जैसे मुंह में लिया हो आज ही। हाँ भाई बहुत कीमती है ये, कल मैंने इसको जीवी रोड पे देखा, 150 में 2 बार, 150 में 2 बार कर रहा था, बहुत कीमती है बहनचो। भाई अगर न्यूटन हिंदुस्तान के जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता। भाई आपका नॉलेज तो बड़ा कमाल का है। अबे झाटू, वो न्यूटन क्या हमारे हिंदुस्तान की पैदाशी है? ऊपर सेब के जगह बम गिरता है, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता है। उस दिन तूने मुंह में लिया था या तेरे मास्टर ने? किसने लिखा हुआ है वो? रविंद्र, राष्ट्रगान जंगल में नायक वाला, वो थे कानपुर के पार्षद जी। पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सवा 100 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, 125 करोड़ लोग बोलते हैं कि तेरी 2-4 हजार गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और वो लोग तो ये भी बोलते हैं कि सब मिलके इसकी गांड मार लो। इसका क्या मतलब है? बहन चो घर जा, तेरे सर पे चोट लगी है।